ये पौधा मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। इस पौधे की कोई ज़्यादा टेकिंग केयर नहीं होती है। एक बार आपने लगाने के बाद बस हर 15 से 20 दिन में गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसमें ऐड करना होता है। गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र जब आप 15 से 20 दिन में देते रहेंगे तो इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कलियाँ आएंगी और काफ़ी अच्छे से फूल आते रहेंगे। इनमें कई कलर्स आते हैं, लगभग हमारे पास तो इनके 20 कलर अवेलेबल है अभी। अगर आपको इनके 20 कलर चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे ये सारे ले सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ गर्मियों में फूल देते हैं, फुल धूप में रखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ये करेंगे पौधे। अगर आप इन्हें शेडी एरिया में रखते हैं या किसी ऐसी शेडी जगह पे रखते हैं तो ये ग्रीन इतने ज़्यादा ग्रीन होंगे जितने के आपका मन ललचा जाएगा, बट फूल उस समय कम देंगे शेड के नीचे। अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो इस तरीके से इनका कलर जो है थोड़ा सा इनके स्टेम का या इनकी जो पत्तियां हैं वो उनका कलर ग्रीन तो नहीं होगा बट फूलों से ये पौधा भर जाता है। दोस्तों, पानी की अगर बात करें तो इसे सुबह और शाम को 2 टाइम पानी देना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप पानी 2 दिन नहीं भी देते हैं तब भी ये पौधा मरेगा नहीं, लेकिन ज़्यादा पानी ओवर वाटर करने से इस पौधे में ज़रूर कहीं ना कहीं गलन आती है जिससे पौधा धीरे धीरे मर जाता है। ये परमानेंट पौधा है, कभी भी मरता नहीं है। इनको बीज के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, इनको कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को अगर आप कटिंग से लगाते हैं तो काफ़ी इजीली ग्रो हो जाता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, कटिंग से इतनी सी स्टेम होती है वो आपको कट करके इसमें किसी भी सॉइल में लगानी होती है जिससे ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसकी वीडियो आपको इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।